मामला ऐसा है कि 2004 में जब सुनील दत्त साहब इलेक्शन लोकसभा इलेक्शन लड़ रहा था नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट से, उस टाइम पे जिसको इमोदारी दिया है जॉर्ज इब्राहिम बोल के कलीना विधानसभा का, उस जॉर्ज इब्राहिम ने सुनील दत्त साहब के खिलाफ भी काम किया था। कांग्रेस का नगर सेवक होते हुए उसने शिवसेना संजय निरुपम के साथ में मिलकर उसने सुनील दत्त साहब के साथ अगेंस्ट में काम किया था। और 2006 उसमें कॉरपोरेशन से रिजाइन कर दिया कुछ व्यक्तिगत ग्राउंड्स के ऊपर। 2007 में यही जॉर्ज इब्राहिम वापस इलेक्शन लड़ा और उनका डिपॉजिट जब्त हुआ, उनकी हालत बहुत खराब थी उस टाइम पे। उसके बाद आज 14 साल के बाद इस जॉर्ज इब्राहिम को प्रिया दत्त ने आज उम्मीदवारी दी। ये जॉर्ज इब्राहिम जब एयर इंडिया से रिटायर हुआ 2012-13 में, जॉर्ज इब्राहिम चला गया केरला। 6 महीना भी लोकसभा इलेक्शन के टाइम पे 6 महीना पहले आके मुंबई में उनको टिकट दिया गया है। पूरा अन्याय और अत्याचार हुआ है हमारे कांग्रेस के कलीना विधानसभा के कार्यकर्ता के ऊपर। और प्रिया दत्त, मेरा जो पॉपुलैरिटी बढ़ रहा है कलीना विधानसभा में, उसका डर से प्रिया दत्त ने मुझे उम्मीदवारी नहीं दी। आपने टिकट की धांधली पर भी जो है आरोप लगाया कि टिकट जो है बेचे जाते हैं, उन्होंने पैसे लिए, ये भी एक आपने एलिगेशन है। आप अगर देख सकते हैं कि बांद्रा ईस्ट में जिसको टिकट दिया जिसान सिद्दीकी, बाबा सिद्दीकी का एरिया है बांद्रा वेस्ट में, बाबा सिद्दीकी अगर लड़ना चाहते हो बांद्रा वेस्ट में लड़ना चाहिए। बांद्रा ईस्ट के अंदर बहुत सारे कार्यकर्ता है, जैसा हमारे चांदूरकर साहब है, हुसैन दलवाई साहब है, बहुत सारे कार्यकर्ता है जो वरिष्ठ लोग है जो इधर जो लड़ सकते हैं और उससे अच्छा लड़ाई कर सकते हैं, और जो इधर के स्थानीय है, इधर बॉर्न एंड ब्रॉटअप है, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया, जिसान सिद्दीकी को दिया। और कालीना में आज जॉर्ज इब्राहिम जो आज 14 साल के बाद वापस आ गया, 14 साल के बाद उनको उम्मीदवारी दे रहे, तो समझ जाओ इसके अंदर क्या है, व्यस्तधारी के सिवा कुछ दिख ही नहीं रहे। ऐसा भी मालूम पड़ा है कि हमारे जो ऑब्जर्वर बड़े बड़े जो आए हैं दिल्ली वगैरह से, उनको बाबा सिद्दीकी ने दुबई लेके गया एंजॉय करने के लिए। और इस तरह का इस पार्टी के अंदर काम हो रहा है आज कांग्रेस के अंदर। कांग्रेस इन्होंने प्रिया दत्त ने जो उनका फादर जितना अच्छा नाम कमाया था सुनील दत्त साहब ने, उतना खराब नाम कर दिया कांग्रेस के अंदर। और उसने कसम कही है मुझे लगता है कि उत्तर मध्य मुंबई में कांग्रेस को खलास करने के लिए।